अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, ये हमारा आज का लेसन है। अर्थवर्म का तल्लुक फाइलम एनिलिडा से होता है। फाइलम एनिलिडा के सारे जानदार मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में एनिमल बॉडी अंदरूनी और बिरूनी तौर पर शॉर्ट सेगमेंट्स में मुंकसिम होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी होती है। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया, ये टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा इधर होगा, अगला टुकड़ा, या इस तरफ सेगमेंट्स अरेंज पा सकते हैं, या फिर इस तरह अरेंज में सेगमेंट्स अरेंज पा सकते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अंदरूनी और बिरूनी तौर पर मुनकसिम होते हैं। फिर टुकड़े आपस में म्यूसिलेयर या दिगर चिपकने वाले मादों की मदद से अटैच फॉर्म में मिलते हैं। ये जानदार क्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं। सेल्स की तीन लेयर्स, आउटर को एक्टोडर्म, मिडल वन को मेसोडर्म और सबसे अंदर वाले को हम एंडोडर्म कहेंगे। ये सिलोमेट भी होते हैं। इनके बॉडी कैविटी को सिलोम कहा जाता है। सिलोम में फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड सिलोमिक फ्लूइड कहलाता है। वही सिलोमिक फ्लूइड नाइट्रोजेनियस वेस्ट करेगा, वेस्ट अपने अंदर पिक करेगा और नाइट्रोजेनियस वेस्ट को सिलोमिक फ्लूइड से प्योरीफाई किया जाता है। खैर, तो इसमें ऑसमो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को हम मेटा नेफ्रिडिया कहते हैं। मेटा नेफ्रिडिया भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और फिर ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मेटा नेफ्रिडियम फाइलम एनिलिडा के जानदार अर्थवर्म के हर सेगमेंट में पेयर की शक्ल में होगा। यानी अर्थवर्म के हर सेगमेंट में दो ऑसमो रेगुलेटरी ऑर्गन्स यानी दो अदद मेटा नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इसके अंदर एक सिलिएटेड ओपनिंग होती है। ये सिलिएटेड ओपनिंग होता है जिसके बाद सिलिया एंड स्वाह है, फ्लूइड स्वाह के जरिए अंदर दाखिल होगा। इस सिलिएटेड ओपनिंग को हम नेफ्रोस्टोम कहेंगे। फिर नेफ्रोस्टोम के फौरन बाद लंबी ट्यूब शुरू होती है। उस लंबी ट्यूब को हम ट्यूब्यूल के नाम से जानेंगे। हम कह सकते हैं कि ये नेफ्रोस्टोम फौरन एक ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर ट्यूब अंदर से खाली है, लाइक दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस खाली जगह को हम ल्यूमन ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की अंदरूनी खाली जगह कहेंगे। जब भी ये ट्यूब्स जिस सतह की बनी हुई है, जिस मटेरियल की बनी, टिश्यू की, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम के नाम से रिलेट करेंगे। फिर ये ट्यूब्यूल्स जो यहाँ नेफ्रोस्टोम से स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, इस रीजन में पहुँचती है। इसके ऊपर ये रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, यहाँ पर खून की ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क होता है, जाम होता है। फिर इसका आखिरी पोर्शन एक थैलेमस के अंदर, ब्लैडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैडर बाहर की तरफ जाकर एक स्वाह की मदद से ओपन करता है, एक्सपीरियर कोर होता है, जिसे हम नेफ्रिडियो कोर या एक्सक्रीटरी पोर के नाम से याद करेंगे। सेम थिंग्स हियर के ट्यूब्स लूप्स अबाउट इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। ये कॉम्प्लिकेटेड के साथ इस तरह से आती है और एंड करती है इस ब्लैडर के अंदर आके एंड करती है। ब्लैडर ओपन्स एक्सट्रीमली विद कोर दैट इज नेफ्रिडियो कोर। ब्लैडर बाहर स्पोन के जरिए ओपन हो रहा है, नेफ्रिडियो कोर कहलाता है। इसका एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, ये सारी सिलोम बॉडी कैविटी है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड जाके नेफ्रोस्टोम के साथ टकराता है। जब नेफ्रोस्टोम के साथ फ्लूइड टकराता है तो सिलिया ब्रीच करते हैं, हैवी वेस्ट को बॉडी के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है, बाकी वेस्ट को अंदर अलाउ करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट इधर ल्यूमन के अंदर एपिथेलियम के साथ बैठना शुरू कर देता है, वाटर ऊपर से फ्लो आउट। हाँ, याद रहेगा यहाँ पर एपिथेलियम ये सारी लेयर के ऊपर चौंके ब्लड कैपिलरी है, बीच में तो ब्लड कैपिलरी है, तो इस एपिथेलियम से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बाहर ब्लड कैपिलरी के अंदर दौड़ा दिए जाते हैं। यूं मसलन कुछ आयंस होंगे, कुछ फूड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ वाटर कंसंट्रेशन होती है, जो एपिथेलियम से पिट करके ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से सारे स्लोमिक फ्लूइड को रिटर्न करती होती है। गोया कंजर्व किया जाता है, वाटर कंसंट्रेशन को कंजर्व किया जाता है, मिनरल कंसंट्रेशन को या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को इस स्लोमिक फ्लूइड के अंदर कंजर्व करने के लिए यहाँ से मटेरियल को इस रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी हर सतह पर ऐसा किया जाता है। तो चूंकि पानी भी कंजर्व हो रहा है, साल का मिनरल वगैरह भी पिक किए जा रहे हैं, पानी के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से अंदर वाला सारा यूरिन कंसंट्रेट होके टेम्परेरली ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब ब्लैडर भर जाता है, अंदर टेंशन क्रिएट होती है, फिर इसमें से यूरिन नेफ्रिडियो कोर के रास्ते बाहर खारिज हो जाता है।
यही बातें यहाँ पर मैकेनिज्म के अंदर मेंशन की गई है। नेफ्रोस्कोप कलेक्ट सिनोविक फ्लूइड, स्टोमक फ्लूइड उसके पास आया, फ्लूइड मूव्स अराउंड द ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल के साथ साथ फ्लूइड अंदर मूव कर गया। एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब्स ऑल फ्रॉम द ल्यूमन, ये एपिथेलियम जो ट्यूब्यूल के दीवारों के टिश्यूज हैं, ये वाटर और दीगर कंसंट्रेशन को या मटेरियल को यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर देती है। और इसके मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये हो सकते हैं, कभी वाटर होता है, कभी अमोनिया, तो कभी इसमें यूरिया होता है जो उसकी बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। थैंक यू।